नमस्कार। द न्यू यू एक्सेप्ट योरसेल्फ्स। आए दिन मैं आप सभी को अपने जीवन के हर छोटे बड़े हिस्से को लेकर हताश होते हुए देखती हूँ, आत्मग्लानि से भरते हुए देखती हूँ। वो आपका शरीर हो सकता है, आपकी पर्सनालिटी हो सकती है, आपसे जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा रिश्ता हो सकता है, आपका जीवन एक कंप्लीट होल सोल हो सकता है, जीवन से जुड़ी हुई कई घटनाएं हो सकती हैं जिन्हें आप कंप्लीटली यूजलेस महसूस करती हैं, जिन्हें आप ऐसे लगता है कि ये हिस्सा अगर ना होता तो ही ज्यादा बेहतर होता मेरे जीवन में। इस कहानी के माध्यम से शायद आपकी ये राय कुछ बदल पाए। एक बार कुछ वैज्ञानिकों का एक बड़ा जुट मिलकर एक इंसान के रूप का रोबोट बनाने की कोशिश कर रहा था। सब कुछ बनने के बाद जब उस रोबोट के चेहरे की बारी आई तो एक वैज्ञानिक के पास उस चेहरे की आंखों की जिम्मेदारी थी, दूसरे के पास नाक की, तीसरे के पास मुंह की, और एक जो अभी यंग वैज्ञानिक था, नया नया भर्ती हुआ था, उसे बोल दिया गया कि भाई तू बस आईब्रोज का काम उठा ले, बाहों का काम उठा ले। आपस में डिजाइनिंग करते समय वैज्ञानिकों की बहसबाजी हो गई। जो वैज्ञानिक आंखें बना रहा था उसने कहा कि भाई आंखें चेहरे का सबसे जरूरी हिस्सा है, आंखें ना हो तो हम एक दूसरे को देख कैसे पाए, कम्युनिकेट कैसे कर पाए, सुंदरता और बदसूरती में फर्क कैसे कर पाएंगे, कहीं पे भी जाना है, किसी भी चीज को छूना है, किसी भी तरह से कोई भी प्रयत्न करना है जीवन में, आंखें बहुत जरूरी हैं। इसीलिए चेहरे पर आंखों को कभी भी बाहों के नीचे नहीं होना चाहिए, बाहें एकदम यूजलेस हैं, बेकार हैं, सबसे ऊपर आंखों को होना चाहिए। इतने में जिस वैज्ञानिक के पास नाक की जिम्मेदारी थी उसने कहते हुए उसने सोचते हुए कहा कि भाई नाक ना हो तो जिंदा कैसे रहें? सांस लेने की सबसे ज्यादा जरूरी प्रक्रिया जिससे कि हमारा जीवन आगे बढ़ता है वो तो नाक से होता है, उसके ऊपर कोई खुशबू, कोई जलने की बदबू, किसी भी अलग प्रकार की जो अलग अलग तरह की फ्रेग्रेंसेस होती हैं, स्मेल्स होती हैं, उनके बिहाफ पे ही तो हम जीवन के कितने बड़े बड़े फैसले लेते हैं, वो सब तो नाक से होता है। और ये नाक क्या इन बेकार की बाहों के नीचे रख दिया गया है चेहरे पर, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। इतने में जिस साइंटिस्ट के पास मुंह की जिम्मेदारी थी वो बोलने लगा कि भाई अपने जीवन का जो एक बेसिक प्रोसेस है खाना खाना, जिसके कारण हम लोगों को ऊर्जा मिलती है, हम लोग चल फिर पाते हैं, हम सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, वो सब कुछ तो मुंह से होता है, तो मुंह से ज्यादा जरूरी हिस्सा क्या हुआ भला चेहरे का। मैं तो कहूंगा भाई कि इन बाहों को ना मुंह के नीचे रखो, मुंह को इन बाहों के, इन यूजलेस बेकार बाहों के नीचे मत रखो, सबसे ऊपर चढ़ा के रख दिया इनको फेस के ऊपर। बेचारा वो छोटा सा साइंटिस्ट जो साइड में खड़ा था, जिसे आईब्रोज की जिम्मेदारी दी गई थी, उसने कहा भाई मेरे तो हाथ जुड़े हैं, आप लोग सीनियर लोग हैं, जो कहोगे वैसे होगा, आप कहेंगे आंखों के नीचे तो मैं आंखों के नीचे बाहें लगा दूंगा। जब लगाई तो वो तो पुतला इंसान की जगह कुछ और ही लगने लगा। फिर नाक वाले साइंटिस्ट ने कहा इसे ऐसे करो, नाक के नीचे लगा दो, ये थोड़ा मूंछों जैसा लुक देगी, फिर भी हम लोग बेटर लगेंगे। अच्छा, नाक के नीचे लगाई बोहें तो वो बहुत अजीब सी, कुछ अजीब वो गरीब सा ही बन गया, तो वहां से भी हटानी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर भी ये ह्यूमन बींग जैसा नहीं लग रहा है, रोबोट कोई एलियन ही बन गया है। फिर मुंह वाले ने कहा नहीं नहीं, इसे मुंह के नीचे लगाओ बोहों को, क्या कर रहे हैं, बेकार सी चीज़ है, इनको यहीं पे लगाओ, इनकी यहीं जगह है, बेकार है। वहाँ लगाया तो वो और भी ज़्यादा फनी दिखने लगा रोबोट, और कहीं से भी किसी भी एंगल से ह्यूमन बीइंग नहीं लग रहा था। फाइनली सबने हार कर बाहों को सबसे ऊपर ही पहुंचा दिया। इस कहानी से, छोटी सी एक बात से आपको क्या सबक मिलता है क्वींस? हम सभी को अपने जीवन के उन एस्पेक्ट्स को दोबारा से एक नए दृष्टिकोण के साथ देखने की ज़रूरत है जिन्हें हम कोसते रहते हैं, जिन्हें हम चाहते हैं कि वो हमारे जीवन का हिस्सा बने ही ना कभी,
चले जाएं, बस दूर हो जाएं, या जहां जितनी इम्पोर्टेंस के साथ वो बैठे हैं हम उनकी इम्पोर्टेंस बिल्कुल खत्म करते, उन्हें वहां से हटा दें। ऐसा नहीं है क्वींस, हर हिस्से की अपनी एक जरूरत है और अपनी एक इम्पोर्टेंस भी है। हमें अपने पर्सनालिटी के हर ट्रेट की जरूरत होती है। हर एक पर्सनालिटी ट्रेट, हमारे शरीर का हर एक अंग, हमारे रिश्ते, एक एक रिश्ता जो हमसे जुड़ा होता है, हमारे जीवन में घट रही एक एक घटना, हर चीज के दो पहलू होते हैं। एक पहलू जो आप आज तक देखती आई कि ये यूजलेस है, ये बेकार है, ये गलत है, इसे हटा दो। लेकिन दूसरा पहलू कहता है कि अगर ये पर्टिकुलर चीज हमारे जीवन में ना होती तो हमारा जीवन अधूरा रह जाता। हमारे जीवन से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लर्निंग, या हमारे जीवन का एक बहुत ही बेहतरीन रुख खत्म हो जाता। इस चीज, चाहे कितनी भी छोटी, सुई जितनी छोटी क्यों ना हो, इस चीज के बिना हमारा जीवन संपूर्ण नहीं बन पाता है। हर चीज हमारे जीवन में, हर घटना हमारे जीवन में कुछ ना कुछ सोच के इंट्रोड्यूस की जाती है। कुछ भी बस ऐसे ही नहीं हो जाता। There are no coincidences, queens. Everything is very thoughtfully placed in our life. Try and change your perspective towards the things which you feel are absolutely useless, extra or worthless in your life. Try and change your perspective towards looking at the things which you feel have no value in your life at all. और शायद इस बदलते हुए दृष्टिकोण के साथ आपको उन चीजों की अहमियत भी महसूस होनी शुरू हो जाए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज YouTube पर जाइए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। साथ ही साथ Facebook पर हमारा बहुत बड़ा क्वींस परिवार आपके स्वागत के लिए तत्पर है, वहां आइए और मुझे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी कई बार पर्सनल चैट में मैं आपके कई सारे सवालों के जवाब लेकर आती हूँ, वहां पर भी आकर मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा।